हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 साल की लड़की के लिए सलवार। इसमें से 12 साल की लड़की के लिए सलवार बनाएंगे। कपड़ा है हमारा 2.25 मीटर, तो इसमें से काफ़ी अच्छी सलवार निकलेगी। सबसे पहले हमें इसकी बेल्ट निकालनी है, तो कपड़े को डबल लेयर करना है अर्ज की तरफ से इस तरीके से। ठीक है, कपड़े को अच्छे से इस तरीके से रख लेंगे। एक्स्ट्रा धागा इसे निकाल देंगे। अगर आपका यहाँ से नीचे ऊंचा है तो उसे भी पैक कर लें। और जो हम इसमें बेल्ट रखेंगे वो हम 6 इंच की तैयार रखेंगे, तो यहाँ पर कपड़ा लेंगे 8 इंच। वैसे हम 7 इंच की तैयार रखते हैं और 9 इंच कपड़ा लेते हैं बड़ी सलवारों के लिए। इसे बिल्कुल यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे और अब कट करेंगे। दो इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, 1.5 इंच ऊपर हमारा फोल्ड होगा और 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। देखिए यहाँ से हमें कपड़ा भी हमारा डबल लेयर है। जितना आपको बेल्ट रखना है उस हिसाब से रखें। हमारी 32 इंच बेल्ट है जो कमर तैयार है, तो ये हमारा यहाँ तक 20 इंच कपड़ा है, तो हम इसमें बेल्ट में कपड़ा ज्वाइंट नहीं करेंगे, इतना ही कपड़ा काफ़ी है। अगर आपकी कम है तो यहाँ पर कपड़ा ज्वाइंट करें। हमने अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है बेल्ट लगाने का, आप उसमें देख लें कि बेल्ट किस तरीके से बढ़ाते हैं। ये अब हमारी बेल्ट कट हो चुकी है, उसके बाद में हमें पार्ट निकालने हैं। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड लेयर करेंगे। सबसे पहले और अब देखिए जितनी आपको बेल्ट तैयार रखनी है उतना इंच टेप को ऊपर निकाल लें। जैसे हमने 6 इंच बेल्ट तैयार रखनी है तो 6 इंच ऊपर निकाल लिया, यानी 6 इंच टेप को। और अब यहाँ पर अपनी लेंथ देख लेंगे कि कितनी रखनी है। हमें तैयार रखनी है 34 इंच, तो इसमें 1 इंच और लेंगे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर हम 35 इंच कपड़ा लेंगे 1 इंच सिलाई के लिए। अब इस कपड़े को यहाँ से अलग कर लेंगे। अभी कपड़ा हमारा फोर लेयर में है। इसके बाद देखिए जितनी आपको पार्ट चाहिए उस हिसाब से इस कपड़े को कर लेंगे। यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल देंगे। वैसे हम 8 इंच की पार्ट लेते हैं, यानी 8 इंच की, यहाँ पर हम 7 इंच की पार्ट लेंगे। देखिए ये कपड़ा फोर लेयर में है और यहाँ पर 1/2 इंच हमने सिलाई के लिए ले लिया है। यहाँ पर 7.5 इंच लिया है इसको और यहाँ से अलग कर देंगे इसे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये एक पार्ट में निकाला है और इसी तरीके से बड़ी कट होती है। और ये कपड़ा हमारा मोहरी में बेल्ट में काम आ जाता है अगर बेल्ट कम है तो। अब ये यहाँ से जॉइंट है, इसे भी कट करेंगे। देखिए इसके दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। इस तरीके से इस पार्ट की जो चौड़ाई है वो 35 इंच है, वो सॉरी 15 इंच है यहाँ से, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 29 इंच है। इसके बाद जो भी कपड़ा हमारा बचा है उसे डबल लेयर में रख लेंगे। अब देखिए कपड़े को हमने डबल लेयर रख लिया है। इसके बाद जिससे हमारे पार्ट 29 इंच है, तो यहाँ पर हम 27 इंच पर एक मार्क करेंगे, 2 इंच कम लेंगे यहाँ से। और यहाँ से इसके बाद में हमें आसन नापना है। आसन इसका हम 13 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर 7 इंच लेंगे, 6 इंच हमारा यानी कि 6 इंच बेल्ट में आएगा। तो इतनी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम निकाल देंगे। 7 इंच पर एक मार्क हमने यहाँ किया है और 7 इंच पर ही एक मार्क हमें यहाँ पर करना है। और अब इस मार्क को हमें इस मार्क से मिलाना है इस तरीके से तिरछा करके। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मिला लेंगे। ये हमारी कली होगी। तो देखिए ये एक साइड से आसन और कली की जो पार्ट है वो जॉइंट होती है, इसको भी कट करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं
ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए इसे यहाँ से अलग कर लेंगे और अब इस चीज को भी खोल के अलग करेंगे। देखिए इसे अलग कर लिया है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको भी अलग कर लिया है। ये हमारी दो कली और दो ये चार कली हो गई है और हमारी दोनों पार्ट भी कट हो चुकी है। तो ये पार्ट की देखिए इस तरीके से साइड में ये ऐसे आती है, एक बार रख के दिखा देंगे। देखिए ये हमारी पार्ट है, अब इसके ऊपर इस तरीके से हमें एक कली को रखना है, कली को यहाँ पे रखना है। ये हमारी मोहरी में आएगा तो इस वजह से हमने इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है पार्ट को। एक कली इस तरीके से जॉइंट होगी और दूसरी हमारी यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट होगी। सिलने के बाद में ऐसे ये सीधी हो जाएगी। इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है, ये चारों कली और दो पार्ट बेल्ट, अब इसे सिलेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरीके से हमें पार्ट को जॉइंट करना है, जैसे हमने कली को रख के बताया है नीचे उसी तरीके से इसे जॉइंट करना है। अब इसमें हमें दूसरी कली को जॉइंट करना है यहाँ पर। अब इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर दूसरी कली को रख लिया है हमने और अब इसे जॉइंट करेंगे। है जॉइंट होके, अब इसकी सबसे पहले मोहरी बना लेंगे हम, इसे बाद में हम क्लियर करेंगे, सबसे पहले इसकी छोटी छोटी मोहरी बना लेंगे। अब देखिए जो साइड में से कपड़ा निकला था उसमें से हमने इसकी पट्टी कट कर ली है। अगर आप बड़ी सलवार बना रहे हो या छोटी, आप मोहरी अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितनी ठाड़ी मोहरी पहनना चाहते हैं। ये हमने बुकरम कट कर लिया है और अब तीनों चीज के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। ये एक्स्ट्रा बुकरम और कपड़े को कट कर देंगे यहाँ से। और अब देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इससे मोहरी बनाएंगे। और जिस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया उसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। आप मोहरी में कोई भी डिजाइन डाल सकते हो। इसमें मोहरी बना के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों हमने पार्ट इसी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका आसन जॉइंट करेंगे और बेल्ट को बनाएंगे। तो आसन जॉइंट करने से पहले भी बेल्ट बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से बेल्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे करीब 1.5 इंच जहाँ पर डोरी डलेगी उसके लिए, इसी की तरीके से ऊपर की साइड है और यहाँ से दूसरे कॉर्नर को भी फोल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये अंदर की तरफ करेंगे सीधी साइड को और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
और ऐसे खोल के इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगाएंगे। और अब देखिए यहाँ से पहला फोल्ड हम हाफ इंच पे लेंगे और दूसरा फोल्ड हम एक इंच पे लेंगे। इस तरीके से डोरी डालने के लिए साड़ी के लिए जगह बनाएंगे और ये इसी तरीके से हमें पूरी बेल्ट को फोल्ड करना है। देखिए इसी तरीके से हमने पूरे बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से पक्का कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा फ्रंट आसन आएगा, डोरी डलेगी और यहाँ पर हमारा 20 सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से इसका बिल्कुल 20 सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे जहाँ पर हमारा बैक आसन आएगा। और यहाँ से देखिए हम 9 इंच पर एक कट लगाएंगे। यहाँ तक हमारी प्लेटें आएंगी। देखिए ये दोनों पीस में है कट, इस तरीके से फ्रंट आसन के आधी इधर आ जाएंगे, आधी इधर आ जाएंगे। और अब इसके बाद आसन जॉइंट करेंगे। बेल्ट भी कंप्लीट है और इसकी मोहरी भी कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ से इसे आसन को बिल्कुल बराबर रख लेंगे। अब इसको खोल के इसके ऊपर दबाने वाली सिलाई लगाएंगे और इसी तरीके से इसका दूसरा आसन जॉइंट करेंगे। अब देखिए दोनों हमने आसन जॉइंट कर लिए हैं और इसके बाद यहाँ पर बेल्ट को रखना है। बेल्ट में कट वगैरह हमने आपको बता दिया किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट आसन रहेगा, जो भी आपका फ्रंट आसन हो वो रख लें यहाँ पर बिल्कुल बराबर में इसी साइज तरीके से। छोटी या बड़ी साइज की बेल्ट में आप सलवार को जॉइंट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्लेट का डायरेक्शन हम अपनी तरफ करेंगे। प्लेट हम करीब 1 से 1.25 इंच चौड़ी डाल रहे हैं। प्लेट के ऊपर प्लेट को बिल्कुल चढ़ा के लेना है। इस तरीके से यहाँ तक कट तक हम ये प्लेटें लगा लेंगे। अब देखिए इसी तरीके से ये प्लेटें हमने यहाँ तक लगा ली हैं और ये हमारा कट आ चुका है। और यहाँ पर देखिए हम कपड़ा नाप लेंगे। इसी कपड़े में से हमें एक प्लेट के लिए कपड़ा रखना है, अभी ज़्यादा है, और एक प्लेट हमारे यहाँ पर भी आनी है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने प्लेट ले ली है। और अब इसके बाद में यहाँ तक हमें इस कट तक बिल्कुल खाली सिल के लेके आना है, इसमें कोई प्लेट वगैरह नहीं डालनी है। देखिए ये अब हमारा बैक आसन वाला कट आ चुका है और यहाँ पर ये हमारा बैक आसन आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी दो प्लेटें आएंगी, एक इधर के कपड़े से और एक इधर के कपड़े से। तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेट ले ली है और अब इधर के कपड़े से प्लेट ले लेंगे, उसका डायरेक्शन बाहर की साइड कर देंगे इस तरीके। और इसके बाद अब इस कट तक हमें खाली सिल के लेके आना है, इसमें कोई प्लेट वगैरह नहीं आएगी।
देखिए ये कट आ चुका है हमारा, यहाँ तक हमें ऐसे ही सिलना है। अब इस कट के बाद में देखिए हमें यहाँ से प्लेटों का डायरेक्शन चेंज करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और वीडियो को एंड तक देखें। देखिए इस तरीके से बाहर की साइड प्लेटों का डायरेक्शन करेंगे। प्लेटें हम उतनी ही चौड़ी रखेंगे जितनी हमारी दूसरी तरफ थी। इसमें भी हम ऐसे ही पूरे में प्लेटें लगानी है। प्लेटों को हमें इसी तरीके से इसमें लगाना है। निडल को नीचे करके और इसको उठा लेंगे तब ऐसे लगाना है, और कोई प्लेट वगैरह रहना जाए नीचे की तरफ, इस तरीके से ध्यान रखें। इस कपड़े की प्लेटें भी इसी में कवर कर देंगे। देखिए प्लेटें हमारी लग चुकी हैं, ये हमारी पूरी प्लेटें लग चुकी हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब इसको देखिए सीधा कर लिया, और इस बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे अच्छे से दबाने वाले, ये कपड़ा ताकि खींचे ना। ये नीचे से कपड़े को इस तरीके से निकालते हुए तब इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे। अच्छे से पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारी ये बेल्ट कंप्लीट हो जाएगी लग के। बेल्ट लग के कंप्लीट हो चुकी है। बेल्ट लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरीके से डबल लेयर करके रख लेंगे, और आप जो भी इसकी फिटिंग पहनना चाहते हैं उतनी रखें। इसकी हम 6.25 इंच रखेंगे, 6 से थोड़ी सी कम रखेंगे। वैसे हम बड़ी सलवारों की जो मोहरी रखते हैं वो 6.5 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कम ली है हमने 6 इंच से भी। पक्का करके तब सिलाई को लेना है। और ये इसी तरीके से हमें दूसरे पैर तक सिल के लेके जानी है। ये देखिए हमारा आसन आ चुका है, और इसके बाद यहाँ से दूसरे पैर तक इसी तरीके से हम पूरे को सिल के कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए पूरी बनके कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से बनाई है हमने आपको बता दिया है, इसकी फिटिंग वगैरह पूरी हो चुकी है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।